स्वागत है आपका स्मार्ट नौकरी चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के नतीजों के बारे में। जी हाँ, ये एक रुझान है यानी कि ओपिनियन पोल है, और इस ओपिनियन पोल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या इस समय हवा चल रही है, क्या बीजेपी, जी हाँ टोटल 7 सीटें हैं, क्या बीजेपी 7 के 7 सीटों पर विजय हासिल करेगी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, या फिर इन सीटों पर होगा कांग्रेस या एसपी या बीएसपी का राज। जी हाँ, तमाम चीजों को जानेंगे एक एक करके विस्तार से। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हाथरस कांड के बाद से उत्तर प्रदेश के अखबारों में आपने देखा होगा किस प्रकार सरकार के खिलाफ लोगों के लिए मन में जो है काफी ज्यादा भय और काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। अब भय इसलिए कि काफी ज्यादा जो है न्यूज में ये वायरल होने लगा था कि हाथरस हत्याकांड के बाद जिस प्रकार से कानून व्यवस्था वहां पर जो है टर्मिना सी गई थी, लोगों को जो है आने से मना कर दिया गया था हाथरस कांड में, उसके बाद से जो है उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार के खिलाफ कई जगह नारेबाजी तक की गई। लेकिन अब बात करते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है 7 सीटों के ऊपर होने वाले उपचुनाव में। जी हाँ, 7 सीटों के जो उपचुनाव में जो नतीजे आ रहे हैं, ओपिनियन पोल जो आ रहा है, जनता का जो रुझान आ रहा है, जो जनता से पूछा जा रहा है कि आखिरकार आपने किसे वोट दिया, तो एक आंकड़ों के अनुसार, जी हाँ, तो ये आंकड़े जो है सामने निकल के आ रहे हैं कि इन 7 सीटों में जो है 4 सीटों पर अभी भी बीजेपी जो है आगे है, यानी बीजेपी जी हाँ दोस्तों लीड कर रही है उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से। जबकि हालात कितने खराब थे हाथरस हत्या के बाद, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा कानून व्यवस्था को लेकर जो है चारों तरफ अखबार में जो है खबरें निगेटिविटी छपी, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश अभी भी, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो अभी भी जो है योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो है अपना सपोर्ट दिखाते हुए नजर आए, और 4 सीटों पर जो है पूरी तरह से रुझान उनके पक्ष में है। अगर बात करें 7 में से 4, तो यहां पर 50% से ऊपर का जो है आंकड़ा योगी आदित्यनाथ के पास है। अब बात करते हैं एसपी के हाथ में, यहां पर 2-3 से सीटें आ सकती है, या 2 से 3। जी हां, 2 से 3 के बीच में जो है आंकड़े बताए जा रहे हैं अखिलेश यादव की, जी हां दोस्तों समाजवादी पार्टी, तो इन्हें जो है 2 से 3 सीटें मिलने के अनुमान है। लेकिन बात करें बीएसपी को, तो बीएसपी को 0 से 1 जो है आंकड़े बताया जा रहे हैं। कुछ जगहों पे जो है बीएसपी को जो है बिल्कुल भी जो है साफ साफ नकार दिया गया, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे अभी भी लोगों के बीच में जो है मायावती का, जी हां, जो काफी कुछ जो है वर्चस्व बना हुआ है, जिसकी वजह से 0 से 1 का जो आंकड़ा है वो बीएसपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें इस ओपिनियन पोल में, तो ये साफ होता है कि बीजेपी यानी कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यहां पे 7 सीटों में से 4 सीटों पर अपना स्थान बना सकती है। हो सकता है जिससे थोड़ा 1 सीट ऊपर या नीचे भी हो सकता है, लेकिन यह आंकड़े फिक्स है कि 7 में से 4 सीटों पर जो है